वेलकम टू द आशिमा शो। देश में कल पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 4200 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिससे अब इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस 70,000 के पार हो गए हैं। ग्लोबल रैंकिंग देखिए तो इंडिया इस वक्त 12वें नंबर पर है केसेस के मामले में। ऐसे में सरकारों के सामने चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ ट्रांसमिशन को रोकना है, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करनी है। कोरोना पर 6 घंटे चली पीएम मोदी की सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिए जन से जग तक की भागीदारी जरूरी है, यानी कि इस लड़ाई में हर एक व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। आपको बता दूं कि लॉकडाउन के बीच विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। साथ ही अब 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का फैसला हो गया। पहले 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने थे, लेकिन कोरोना की वजह से तारीख बढ़ा दी गई। लेकिन मंदिर में मुख्य पुजारी समेत सिर्फ 27 लोग ही मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं को अभी दर्शन की इजाजत नहीं है। कोरोना संकट के मौजूदा हालात को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ चर्चा के दौरान कई चीफ मिनिस्टर्स ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसमें शामिल हैं बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इस मंथ के एंड यानी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का अनुरोध किया है। तर्क ये ताकि बिहार में जितने लोग ट्रेन से आ रहे हैं उन्हें संभालने में सहूलियत हो। वहीं गुजरात के सीएम विनय रूपानी ने लॉकडाउन को बढ़ाने का विरोध किया है। इसके साथ ही हाल ही में सरकार ने कोरोना पेशेंट्स को हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करने के रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार का कहना है कि भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, तो इस वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने को लेकर गाइडलाइंस में एक बड़ा बदलाव किया है। इन चेंजेस में 3 अलग अलग तरह के मरीजों के लिए अलग अलग डिस्चार्ज और टेस्टिंग नियम बनाए गए हैं। पहले जहां सब पेशेंट्स को डिस्चार्ज करने से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता था, अब उन नियमों को भी बदल दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक माइल्ड यानी हल्के लक्षण वाले पेशेंट्स को अगर 3 दिन तक बुखार नहीं आया तो 10 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। थोड़े गंभीर लक्षण वाले मरीजों का बुखार अगर 3 दिन में उतर जाता है और अगले 4 दिन तक शरीर में ऑक्सीजन लेवल 95% से ज्यादा रहता है तो ऐसे पेशेंट्स को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं तीसरी कैटेगरी यानी ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें सिम्टम्स के दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को आराम से अपने घर नहीं जाना है, बल्कि अगले 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा, जो पहले 14 दिन का था। इसके साथ ही ऐसे समय पर सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज ने 12 मई से एक बार फिर ट्रेन के संचालन को शुरू करने की बात कही है। लॉकडाउन पार्ट 1 में सभी पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 के खत्म होने से पहले ही सरकार ने ट्रेन को दोबारा चलाने का फैसला लिया है। तो किस कारण लेना पड़ा सरकार को ये फैसला? संक्रमण का कितना खतरा बढ़ सकता है इस एक कदम से? क्या है सरकार की तैयारियां? दोस्तों, लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि इन ट्रेन्स की कैसे करनी है बुकिंग। अभी तो इनिशियल फेज में सिर्फ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 ट्रेन्स चलाई जाएंगी और ये 15 ट्रेन्स राजधानी होंगी। 11 मई 4 बजे से इन ट्रेन्स की बुकिंग शुरू हो गई है। बुकिंग सिर्फ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट irctc.co.in या फिर irctc की ऐप से ही हो रही है, इसलिए काउंटर टिकट या एजेंट के थ्रू टिकट बुक करवाने के रास्ते इस वक्त बंद हैं। आपको ये भी बता दूं कि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट्स नहीं दी जा रही है। स्टेशन पर एंट्री सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको टिकट कैंसिल कराना है तो अपने ट्रैवल के 24 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और टिकट कैंसिलेशन चार्जेस टिकट के प्राइस का 50% होगा। अब बात करते हैं इन ट्रेन्स के रूट, टाइमिंग और कोचेस को लेकर। इन ट्रेन्स में राजधानी की तरह ही 1AC, 2AC, 3AC के कोचेस होंगे। आपको बता दूं कि लॉकडाउन से पहले तक राजधानी ट्रेन्स में डायनामिक प्राइसिंग लागू होती थी, यानी जैसे जैसे सीट बढ़ती जाएंगी किराया भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अब टिकट प्राइसेस फिक्स्ड होंगे और पहले से किराया थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद है। इन 15 जोड़ी ट्रेन्स का पूरा टाइम टेबल और टाइमिंग सरकार ने जारी कर दिया है। अब बताती हूँ कि ट्रेन में क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या नहीं। पैसेंजर्स को स्टेशन और कोचेस के अंदर हैंड सैनिटाइजर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। सफर कर रहे यात्रियों को पेंट्री से खाना नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कुछ पैक्ड फूड और पानी की बॉटल ही दी जाएंगी,
जो पैसे देकर पैसेंजर्स खरीद सकेंगे। सफर करने से पहले यात्रियों का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा और सिर्फ एसिम्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही बोर्ड करने के लिए अलाउ किया जाएगा। सफर कर रहे सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है और सभी को पूरे सफर में मास्क लगाए रखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। पैसेंजर्स को स्टेशन पर 1.5 घंटे पहले आना होगा और जब ट्रेन के चलने में 15 मिनट ही रह जाएंगे तब एंट्री बंद कर दी जाएगी। इन स्पेशल ट्रेन्स में सिर्फ एयर कंडीशन कोचेस होंगे, ब्लैंकेट और कर्टन नहीं दिए जाएंगे। लोगों को अपनी चादरें खुद लेनी होगी। यात्रियों से ये भी कहा है कि वो कम से कम लगेज के साथ ट्रैवल करें। सरकार के ट्रेन चलाने को लेकर फैसले के बाद एक सवाल जो हर तरफ था वो ये था कि लॉकडाउन के चलते लोग घर से स्टेशन और स्टेशन से घर तक कैसे पहुंचेंगे। इसको लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। ट्रेन की कंफर्म टिकट दिखाने के बाद पैसेंजर और ड्राइवर को इस कम्यूट की परमिशन दे दी जाएगी। अब सरकार ने ये सफर तो कर दिया स्टार्ट, लेकिन बात अगर मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद की करें तो वहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ ये सुनिश्चित करना कि ट्रेन से आए पैसेंजर्स अपने घरों तक ठीक से पहुंचे, उन्होंने नियमानुसार होम क्वारंटाइन किया और फिर अर्जेंट बेसिस पर उनका रेगुलर चेकअप हुआ या नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। एक चीज मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि टिकट लेने के लिए स्टेशन के टिकट काउंटर पर ना जाएं, टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या सरकार द्वारा उठाए कदमों से आप सहमत हैं और सरकार कोरोना से लड़ने में कितनी सक्षम रही है? अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।